इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। बौद्ध धर्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर स्थानों में से एक है सांची। यहाँ के स्तूप एक पहाड़ी पर बने हुए हैं, जहाँ से एक जमाने में घने जंगल दिखाई देते होंगे। ये एक ऐसा स्तूप परिसर है जिसके कैनवस पर बौद्ध धर्म के सैकड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी पढ़ी जा सकती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि समय समय पर कैसे विभिन्न राजवंश आए, उन्होंने विभिन्न आस्थाओं और विश्वासों का पालन करने के बावजूद सांची का पुनर्निर्माण जारी रखा। इसका संबंध मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि पुरानी किताबों में सांची नाम कहीं नहीं मिलता। काकनाए, काकना द बोट, बोट श्री पर्वत, ये नाम मिलते हैं। ये स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3rd century BC में कराया था और इसके निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी भी सामने आती है। और वो रोचक कहानी यूँ है कि जब भारत 16 महाजनपदाद में विभाजित था तो सम्राट बिंदुसार के समय में अशोका को उज्जैनी का राजकुमार बनाया गया था और उसकी जो राजधानी थी अवंती थी। और सौभाग्य से ये वही क्षेत्र है जो अवंती के क्षेत्र में आता है और अशोक के लगातार यहाँ पर आगमन से और उनके एक नगर श्रेष्ठी जो विदिशा का नगर श्रेष्ठी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी पुत्री से उसका प्रेम विवाह होता है जिसका नाम था देवी। ऐसा माना जाता है कि उसके प्रभाव में, चूँकि वो बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाली थी या बुद्धिस्ट से ज़्यादा प्रेरित थी, तो उनके प्रभाव में आके अशोक बुद्ध बना। ये बात समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसके साथ साथ कलिंगा के युद्ध के बाद भी अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। सांची का पहला स्तूप अशोक का बनवाया हुआ है, जो शायद कलिंगा के युद्ध के बाद बनवाया गया होगा। पहले ये ईंटों से बनाया गया बहुत छोटा, यानी मौजूदा स्तूप से आधा रहा होगा। इसके आसपास कई मठ भी रहे होंगे। मौजूदा स्तूप और उसके परिसर समय के साथ विकसित हुए होंगे। सांची स्तूप परिसर में 50 से ज्यादा स्मारक हैं, जिनमें मुख्य स्तूप, छोटा स्तूप जो स्तूप नंबर 2 कहलाता है और तीसरे स्तूप के अवशेष शामिल हैं। इन स्तूपों के चारों तरफ कई स्मारक बने हैं, जिनमें कई खंभों से बना चैत्य हॉल है और ऐसी ही विभिन्न खंभों पर टिका बड़ा सभागृह है। यहाँ सांची की मशहूर अशोक लाट को भी देखा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि वो अब खंडित हो चुका है। उस लाट पर ब्राह्मी शिलालेख भी है। सांची संग्रहालय के असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी बताते हैं कि इन स्तूपों का विकास कैसे हुआ। अशोका के समय में अशोक ने मौलिक रूप से एक ब्रिक का स्तूपा बनाया था, जो वर्तमान में आज हम स्तूप देख रहे हैं उसके अंदर इसके जस्ट हाफ साइज़ का एक ब्रिक का स्तूप है। और उस ब्रिक के स्तूप में, सॉलिड ब्रिक के स्तूप में, अंदर मिट्टी के ढेर, मिट्टी का रैंड मर्ड उसके अंदर थी और उसके साथ साथ कुछ जो हम अशोक के पिलर के जो फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, अशोक के जो टिपिकल मौर्यन पॉलिश वाले जो पिलर के फ्रेगमेंट्स हैं वो भी उसके अंदर कुछ भरे हुए हैं। जैसा कि सर जॉन मार्शल ने 1912 से 1919 के बीच में काम किया था, उसकी खुदाइयों से वो अपनी किताब में इस बात को इंगित करते हैं कि इस तरह का एक सॉलिड इकंड था अशोक का द्वारा बनाया हुआ ब्रिक का स्तूपा, जिसमें ऐसा भी माना जाता है कि उसमें एक रेलिंग भी रही होगी जो कालांतर में, और वो रेलिंग जो थी लकड़ी की रेलिंग रही होगी वो कालांतर में नष्ट हो गई। और उसके बाद, अशोक के बाद यहाँ पर एक सुंगा डायनेस्टी आती है जिसका शासक था पुष्यमित्र सुंग,
जो आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके वो शुंग ने यहाँ पर अपना शासन की स्थापना की थी, और ऐसा माना जाता है कि उसने नष्ट किया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा ये स्तूप का पुनः निर्माण किया गया, इसमें संवर्धन किया गया, और आज जो वर्तमान में स्टोन का पत्थर का पूरा स्तूप हम देखते हैं वो लगभग पूरा डबल उन्होंने डबल साइज़ में उसको निर्माण किया उसका, और उसके साथ साथ उसमें उन्होंने एक चूना का एक बहुत बड़ा लेप भी उसमें लगाया, साथ साथ उसके चारों ओर रेलिंग्स बनाई, प्रदक्षिणा पद बनाया। और उसके बाद का एक और डायनेस्टी हमारे पास आती है जो 1st century AD के आसपास, उसको आंध्रा से चलते हुए एक डायनेस्टी आया, इसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन शासकों ने भी अपना अमूल्य योगदान इस स्तूपा के संवर्धन में दिया, जिसके कारण आज हमारा जो स्तूप है ये विश्व धरोहर की श्रेणी में आता है। और उन्होंने जो मुख्य काम यहाँ पर किया था वो थे इसके चारों तोरण द्वार, जो चारों दिशाओं में तोरण द्वार निर्माण किए, और उन्हीं तोरण द्वारों में जो बुद्ध की घटनाएं हैं जीवन से संबंधित इंगित की गई हैं। विदिशा में हाथी दांत के कलाकार रहते थे, और ये हमको जो इंस्क्रिप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दक्षिणी तोरण द्वार में एक इंस्क्रिप्शन है, ब्राह्मी में अभिलेख लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि वेदस गिरी हस्त दंतिकारे रूपम कमम कत्तम। तो इसका तात्पर्य है कि जो विदिशा के हाथी दांत के कारीगर हैं उन हाथी दांत के कारीगरों के द्वारा यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कार्विंग की गई है, और चूँकि ये जो एरिया है इस एरिया में तमाम हाथियों की संख्या असंख्य थी, और यह शायद कारण रहा होगा कि यहाँ के हाथी दांत का यहाँ कार्य बहुत होता रहा होगा। सांची में खूबसूरत नक्काशी से जो दृश्य दिखाई देते हैं वो बुद्ध के जीवन के जातक कथाओं से और अन्य बौद्ध धर्म के ग्रंथों से लिए गए हैं। अशोका के बोधि वृक्ष तक की यात्रा और बुद्ध के अवशेषों के लिए युद्ध के चित्र निहायत खूबसूरत हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें बुद्ध की कोई आकृति नहीं है। बुद्ध को बौद्ध वृक्ष, छतरी, पद चिन्ह जैसे प्रतीकों से दिखाया गया है, जिनमें उपमहाद्वीप में बौद्ध के अवशेषों की यात्रा भी शामिल है। इसका श्रेय अशोका को जाता है, जिसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कई स्तूपों का निर्माण भी करवाया। इन दीवारों पर की गई नक्काशी में मध्य एशिया के लोगों को विभिन्न डिजाइनों की टोपियां पहने और अनोखे पशुओं के साथ दिखाया गया है। सातवाहन डायनेस्टी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि स्तूपों का निर्माण का मोनेस्ट्री के निर्माण का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा शुरू से रही है कि सत्ता चाहे किसी भी शासक की थी, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि कहीं किसी शासक ने दूसरे धर्म के स्थापत्य संरचनाओं को क्षति पहुँचाई, ऐसा कम। सांची में भी ऐसा ही हुआ, सांची में सातवाहन के बाद गुप्ता डायनेस्टी आई, और उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सशक्त शासक यहाँ पर हुआ, जिसने इस क्षेत्र में शकों का उन्मूलन किया था। इसके साथ उन्होंने स्तूप के चारों दिशाओं में जो जमीनी जो प्रथम प्रदक्षिणा पथ है इनका, जमीन में भू प्रदक्षिणा पथ है, उसके चारों दिशाओं में बुद्ध के बैठे हुए उन्होंने मूर्तियां स्थापित करी। गुप्ताओं ने स्तूपों के आसपास बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्मारक बनवाए। सबसे दिलचस्प इस मंदिर की इमारत है, जिसे मंदिर नंबर 17 के नाम से जाना जाता है। इसे भारत में आज मौजूद सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। गुप्तास के बाद भी यहाँ पर हर्ष का शासन था, हर्ष का कुछ समय का शासन था, 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासन के बाद यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी यहाँ पर आती है, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों ने 11वीं-12वीं शताब्दी तक निरंतर इस क्षेत्र का विकास किया। उन्होंने यहाँ पर बौद्धिस्ट मंदिर भी बनाए, उनके समय के यहाँ पर कई संरचनाएँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, मोनेस्ट्रीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि पूरी सांची क्षेत्र में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 11वीं शताब्दी ईसा तक यहाँ पर एक लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक क्रम बना रहा। सांची की शोभा बढ़ाने में गुर्जर प्रतिहारों का भी बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रतिहारों के शासन काल में हुआ था। हालांकि कई इमारतें बर्बाद कर दिए गए, लेकिन पुराने टूटे हुए मंदिरों के सहेज के रखे गए अवशेषों से पता लगता है
कि 1000 साल पहले ये जगह कितनी आलिशान रही होगी। सांची सदियों तक विभिन्न सेनाओं के हमले झेलता रहा था, लेकिन जब भी सांची के स्तूपों को नुकसान पहुंचाया गया, नई सत्ता ने उन्हें दोबारा बनवा दिया। पर ये बात चकित करती है कि 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक सांची का महान स्तूप परिसर जनता के दिमाग से गायब रहा। सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण स्तूप जनता की याददाश्त से कैसे गायब हो सकते हैं? ये जो क्षेत्र रहा है समाज से एक दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर घना जंगल है, तो ऐसा हो सकता है कि एक चारों ओर घने जंगल के कारण आम आदमियों का यहाँ आना जाना कम रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि चूंकि ये जो क्षेत्र था ज़्यादातर बौद्ध परंपराओं को मानने वालों का क्षेत्र था, और ऐसा भी शायद माना जाता रहा होगा कि यहाँ पर इन स्तूपों के भीतर बुद्धिस्ट अस्थि अवशेष वहाँ पर रखे गए हैं, तो हिंदू परंपराओं में मान्यताओं के अनुसार अन्य मान्यताओं के शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर आम लोग नहीं जाते हों, जहाँ पर इस तरह का जो समाधि स्थल या जिस तरह का बनाया इस निर्माण कार्य किया गया होगा, एक कारण ये हो सकता है। जनरल टेलर यहाँ पर आए थे और आकस्मिक उन्होंने खोज की, इसकी चांस डिस्कवरी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी मैन थे, पिंडारियों के विरोध में युद्ध करते करते इस क्षेत्र तक पहुँचे और उन्होंने ये अचानक शायद को खोजा। उसके खोजने के एक साल बाद 1819 में एक एडवर्ड फेल नाम के व्यक्ति हुए थे, वो एडवर्ड फेल यहाँ पर आए थे, उन्होंने बेसिकली उदयगिरी की गुफाओं का 1819 में उनकी डिस्कवरी की थी, उसी सिलसिले में वो सांची स्तूप भी पहुँचे थे। तो एडवर्ड फेल ने एक साइट इस क्षेत्र का सांची नंबर स्तूप का पहले सबसे पहला लाइन ड्राइंग भी बनाया है, जिसका विवरण हमें रॉयल एसेट की छोटी बंगाल की पत्रिका में मिलेगा। और 1819 में ही एक ब्रिटिशर्स जिनका नाम था कैप्टन जॉनसन, उन जॉनसन ने दक्षिणी पश्चिमी जो स्तूप का पार्ट है मेन स्तूप का उसको खोद डाला था, क्योंकि उस समय ये परंपरा शायद रही होगी या एक विचार रहा होगा कि ट्रेजर हंटिंग का एक कार्य हुआ करता था, कहाँ कहाँ ट्रेजर एंशिएंट ट्रेजर उनको निकालें उसको देखें, कौतूहल का विषय शायद बना रहा होगा। तो उस कौतूहल की उसके लिए पूर्ति के लिए उन्होंने इस दक्षिण पश्चिमी भाग को खोजा कि बुद्ध के अवशेष क्या है, तो दुर्भाग्यवश उन्हें बुद्ध के कोई अवशेष उसमें नहीं मिले। फिर ये क्रम यहीं नहीं रुका, उसके बाद 1851 में मेजर जनरल अरिंदर कनिंगम और मेजर मैसी दो व्यक्ति आए थे, और 1851 में ही उन्होंने यहाँ पर इस स्तूप के फिर उसी भाग को दक्षिण पश्चिम भाग को ऊपर टॉप से लेकर बॉटम तक इनको खोदने का प्रयास किया, जो कि वो असफल रहे, उन्हें भी यहाँ पर बुद्धिस्ट कोई रिलिक्स यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए थे। हाँ, ये बात जरूर है कि स्तूप नंबर 1 के ठीक सामने स्तूप नंबर 3 है, और उस स्तूप में उनको बुद्ध के दो शिष्यों महामोदग्लायन और सारिपुत्र इनके अवस्थि अवशेष उनको जरूर मिले। इन अवशेषों को लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया, जिन्हें भारत वापस लाने की मांगें उठी। महाबोधि सोसाइटी के साथ तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भोपाल के नवाब का खुदाई में निकले सभी अवशेषों को वापस भारत लाने में योगदान रहा। आखिरकार 30 नवंबर 1952 को सभी बचे हुए अवशेषों को भारत वापस लाया गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों नवनिर्मित चैत्यागिरी विहार में प्रतिस्थापित कर दिया गया। हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को इन अवशेषों को बाहर रखा जाता है, जिनके दर्शन के लिए हजारों तीर्थयात्री यहां आते हैं। मुख्य साइट और संग्रहालय के करीब ही स्थित है ये घर, जहां सांची में खुदाई करवाने के दौरान मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और ASI के पूर्व डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल रहा करते थे। अब यहां एक संग्रहालय और परस्पर संवाद केंद्र बनाने की योजना है। सांची को पुनर्जीवित करने में जॉन मार्शल का बड़ा हाथ रहा है। उनकी किताब आज भी सांची कॉम्प्लेक्स में रहने वाले शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए मार्गदर्शन का सबसे बड़ा जरिया है। बौद्ध गया इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ की अहमियत इसलिए है कि बुद्ध ने वहां अपना पहला प्रवचन दिया था।
लेकिन सांची से बुद्ध का कोई सीधा जुड़ाव ना होने के बावजूद सांची के स्तूप दुनिया भर के बुद्ध अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। भारत के लिए आज भी ये जगह धर्मनिरपेक्ष संस्कारों का केंद्र है, जिसका आधार प्रेम और सम्मान है।